सर्वे पितृ मोक्ष अमावस्या के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु नेमावर्ग के नर्मदा तट पहुंचे। ऐसे मौके पर भक्तों ने डुबकी लगाकर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। सर्वे पितृ मोक्ष अमावस्या को भूतणी अमावस्या भी कहा जाता है। इस मौके पर नर्मदा के घाट में भूतों का मेला भी लगा। सर्वे पितृ मोक्ष अमावस्या के मौके पर यहाँ भूत प्रेतों का मेला भी लगता है और विचित्र विचित्र आवाजें भी आती हैं। यहाँ हाजिरी लगाने से बाहरी बाधाओं और असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। उस मौके पर लोगों को प्रेत बाधाओं से मुक्ति भी मिलती है। मैं इस समय खड़ा हूँ देवास जिले के नेमावर के सिद्धनाथ घाट पर। आज पितृ मोक्ष अमावस्या है, जिसे भूतड़ी अमावस्या भी कहा जाता है। राजस्थान मालवा अंचल सहित बड़ी दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और माँ नर्मदा में स्नान कर पूजन अर्चना करते हैं। यहाँ पर प्रेत आत्मा और असाध्य रोग से पीड़ित लोग भी पहुंचते हैं, जिसमें बच्चे महिलाएं बालिका बालक भी होते हैं, जिन्हें ओझा तांत्रिक और देवधामियों के माध्यम से हाजिरी लगाई जाती है और उन्हें उससे छुटकारा दिलाया जाता है। शुक्रवार शाम से ही नेमावर के नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो शनिवार दोपहर तक जारी रहा। लगभग 2 लाख से अधिक श्रद्धालु नेमावर के नर्मदा घाट पर पहुंच चुके हैं और मां नर्मदा में पूजा अर्चना कर सिद्धेश्वर महादेव को जल अभिषेक भी कर रहे हैं। नेमावर नाभि कुंड है, इस कारण इस क्षेत्र का काफी महत्व माना गया है और इसे सिद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। कैमरा पर्सन पंकज साहू के साथ नेमावर के नर्मदा घाट से दखल न्यूज के लिए अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी कर रखी थी। 200 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती यहां की गई। साथ ही घाटों में गोताखोर होमगार्ड तैराक दल को भी सुरक्षा की दृष्टि से ड्यूटी पर लगाया गया था। जैसा कि आपको विदित है कि आज सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का पर्व है और जिस पर से नेमावर घाट और आसपास के अन्य घाटों पर भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं और आज के दिन का विशेष महत्व होता है, तो आजू बाजू के जिलों से गाँव से सब लोग अपना काम छोड़ करके आज यहाँ पर स्नान करने आए हैं। उसी की सुरक्षा व्यवस्था में आज पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की टीमें और अन्य विभागों की टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा व्यवस्था के पूरे पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और कहीं भी कोई अप्रिय स्थिति ना बने, अप्रिय घटना ना हो, उसकी पूरा ध्यान रखा जाए। थैंक यू। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।